गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि आज सैटरडे है और बच्चों की एक्टिविटी है, और नेक्स्ट संडे हमने 19 को बच्चों को फाउंडेशन में ले जाना है, वहाँ पे एक प्रोग्राम है बाल मेला का, तो उसकी भी आज बच्चों को तैयारी करानी है। तो वो सभी तैयारियां दिखाते हैं आपको स्कूल में बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। तो ये सभी बच्चे यहाँ पे बैंड की तैयारी के लिए जा रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए फील्ड में। रुद्राक्ष, मुकेश तुम पीछे लगोगे, पीयूष, और इधर गर्ल्स बैठी हैं अपने कल्चरल प्रोग्राम के लिए। टीचर्स ये सभी उनको, सभी मैम लोग इनको कल्चरल प्रोग्राम के प्रैक्टिस कराएंगे। सुनो, लाइन से बजेगा, जैसे बजता है दर 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 नहीं होगा, ठीक है ना, फिर टूटाई हो जाएगी, और रास्ते में डम 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 नहीं होगा। हाँ, ऊपर जाना, ऊपर एक, अभी मैं ड्रम पे तुम्हारे नाम लिख देता हूँ मार्कर से हल्का सा। यहाँ पे मैडम लोग कुछ डिस्कशन कर रहे हैं बच्चों के साथ कि कौन सा प्रोग्राम उनको करना है, ये देखिए। और इधर बच्चे लाइटबोर्ड सजा रहे हैं क्योंकि आज फेयरवेल पार्टी हमारे कोचिंग वाले बच्चों की, तो उसकी भी तैयारी है। कौन कौन कर रहा है भाई यहाँ पे? यस, जरा आपकी शक्ल तो दिखाओ। खुशी, जिया और सृष्टि, ठीक है, चलिए। उधर मैडम लोगों का डिस्कशन और इधर बच्चों का डिस्कशन चल रहा है, देखिए। सभी लगे हैं अपना अपना, क्योंकि अभी तैयारी नहीं हुई है, तो सभी अपना अपना गप्पे मार रही है, देखिए। एंजॉय कर रहे हैं सभी बच्चे। और यहाँ पे एक ऐनक को रिपेयर करते हुए सर जी लोग, क्योंकि थोड़ा इसकी कील वील निकल गई है, तो इसको रिपेयर करेंगे और फिर बच्चों को देंगे। ये सुमित का ऐनक है। अभी यहाँ पे भी LKG वाले बच्चे अपनी राइटिंग बुक फिल कर रहे हैं, और इसके बाद ये लोग भी खेलेंगे। खेलोगे भाई आप लोग भी? वेरी गुड, अच्छे अच्छे हैंड राइटिंग में करना, ठीक है। ये देखिए, इसके बाद इनको भी खिलाया जाएगा, फील्ड में ले जाया जाएगा। फील्ड में जाना है आपको? ओके ओके। अभी मैं जा रही हूँ क्लास 5th और 6th में, क्योंकि कुछ बच्चे तो चले गए हैं प्रैक्टिस के लिए, और इन बच्चों को मैंने दी थी पोएम बनाने के लिए सर्दियों की छुट्टी में। तो देखते हैं कितने बच्चों ने पोएम लिखी है और कैसे कैसे लिखी है। तो पहुँच गई हूँ। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। Thank you, ma'am. आपको मैंने सर्दियों की छुट्टी में पोयम दी थी बनाने के लिए, है ना? तो किन किन बच्चों ने बनाई है, जरा हाथ खड़ा करेंगे। बस, और लोगों ने नहीं बनाई? चलिए कोई बात नहीं, नहीं बनाई तो, लेकिन जिन्होंने बनाई है तो हम उनके पोयम जरूर सुनेंगे और आपके पेरेंट्स को भी सुनाएंगे वीडियो के माध्यम से, ठीक है। सुनते हैं आप लोगों के पेरेंट्स? Yes, ma'am. ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले कौन सुनाएगा? रिया, वेरी गुड, चलिए। सुप्रभात, मेरा नाम रिया रावत है, और आज मैं आप सबको अपनी स्वरचित कविता जिसका शीर्षक है सर्दियों की छुट्टियां सुनाना चाहती हूँ। मैं आशा करती हूँ आप सब मेरी कविता ध्यान से सुनेंगे और आपको पसंद आएगी। मेरी कविता का नाम है सर्दियों की छुट्टियां। जब जब सर्दी आती है हमको बड़ा सताती है, 15 दिन की छुट्टी देकर दिल खुश कर जाती है। जब जब सर्दी आती है कपकपाती ठंड भी लाती है, रातें बड़ी बड़ी देकर दिन छोटे कर जाती है। जब जब सर्दी आती है हाथ पैर सब ठंडे ठंडे, मुंह से भाप निकलती है, भाग गए सब पतले चादर निकल रजाई आती है। जब जब सर्दी आती है चारों तरफ कोहरे की चादर छा जाती है, धूप सेकते आग तापते फिर भी सर्दी नहीं जाती है। धन्यवाद। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो रिया ने बहुत अच्छी कविता सुनाई है, और अब इसके बाद कौन सुनाने वाला है? चलिए आदित्य, सुनाइए आप। मेरा नाम अदिति और मैं कक्षा 6 से हूँ। आज मैं आप सभी को अपनी स्वरचित कविता जिसका शीर्षक है सर्दियों की छुट्टियाँ सुनाना चाहती हूँ। मैं आशा करती हूँ आप सभी को मेरी कविता पसंद आएगी। जैसे जैसे सर्दियों की छुट्टियाँ पास है आई, वैसे वैसे ठंड के साथ साथ बच्चों में खुशियाँ भी है छाई।
बच्चों ने एग्जाम से छुटकारा है पाया और इसी के साथ साथ नया साल भी है आया। कोई गया घूमने तो कोई गया रिश्तेदारों के घर, तो किसी के घर रिश्तेदार भी आए। पूरी डे होमवर्क के साथ साथ भी की बच्चों ने ढेर सारी मौज मस्ती दिन भर। लेकिन जब आई मकर संक्रांति की बारी, सब बड़ों और बच्चों ने भी करी तैयारी। तिल और गुड़ की मिठास है छाई, सबके घरों में खुशियाँ ले आई। वैसे तो चारों तरफ बस ठंड का ही जोर है, लेकिन सर्दियों की छुट्टियों की बात ही कुछ और है। धन्यवाद। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर कविता सुनाई है अदिति ने। अच्छा, तो आप किसकी बारी है? मीनाक्षी की। चलिए सुनाइए। सुप्रभात, मैं मीनाक्षी कक्षा 6। आज मैं आप सभी को अपनी स्वरचित कविता जिसका शीर्षक है सर्दियों की छुट्टियां सुनाना चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी यह कविता पसंद आएगी। सर्दी आई 15 दिनों की छुट्टियां साथ लाई। बैठ गए सब चादर ओढ़कर, देखो कैसी ये सर्दी आई। देखो देखो सर्दी आई, मम्मी ने बच्चों को टोपी और स्वेटर पहनाई। फिर थोड़ी तब गर्मी आई। 15 दिनों की छुट्टियां हुई ख़त्म, अब पढ़ाई की भी बारी आई। सबने मकर संक्रांति भी खूब मनाई। देखो देखो सर्दी आई, सर्दी आई, सर्दी आई। धन्यवाद। वेरी गुड, शाबाश। तो अभी आप लोगों ने, सभी बच्चों ने देखा और पेरेंट्स भी देख रहे होंगे और लोग भी देख रहे होंगे ब्लॉग को, तो हमारी स्कूल से 3 कवित्रियाँ उभर के निकल रही हैं और बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिख रही हैं। तो इन तीनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। सब बच्चे एक बार क्लैपिंग करेंगे। वेरी गुड। तो चलते हैं फिर नीचे आपके कल्चरल में, कल्चरल प्रोग्राम के लिए आपको गेम्स भी खेलने हैं। yes, तो कविता आपकी पूरी हो गई है और अब चलेंगे हम नीचे ग्राउंड में या नीचे हॉल में, जहाँ भी आपको जाना है आप जाइए। और अपना कल्चरल प्रोग्राम है तो कल्चरल कीजिए और गेम्स है तो गेम्स कीजिए। ठीक है, ओके। और यहाँ पे चल रही है बच्चों की तैयारी, ये देखिए। अभी मैं जा रही हूँ फील्ड में देखने के लिए कि बच्चे कैसे कैसे तैयारी कर रहे हैं और क्या क्या सर लोग उन्हें सिखा रहे हैं, वहाँ पे कैसे कैसे सिखा रहे हैं। तो चलते हैं फील्ड में। और यहाँ पे हो रही है बच्चों की रेस, छोटे बच्चों की, ये देखिए। और इधर बैंड की प्रैक्टिस कर रहे हैं, शायद इनका बिगुल जो है ठीक से बज नहीं रहा है। तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम्स में आ गई है। क्या हो गया भाई, बज नहीं रहा आपका बिगुल? क्या वो बजा रहा है? क्या प्रैक्टिस बजा दे? अच्छा बजा रहे हो? अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। रिशित ने तो बजा दिया भाई, शाबाश। और किसको आ रहा है बजाना? तो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो हैं बिगुल बजाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, देख रहे हैं कि वो बजा सकते हैं या नहीं बजा सकते हैं। ये हो गए इनके रेस शुरू। बज गया। गुड, वेरी गुड। यहाँ पे सर जी लोग ये बड़े वाले ड्रम को ठीक करते हुए कुछ टाइट कर रहे हैं। कीजिए सर, कीजिए, टाइट कीजिए आप लोग। सभी बच्चे अपने अपने ग्रुप में अपनी अपनी टीम के साथ सैटरडे एंजॉय कर रहे हैं। इधर भी सर जी कुछ समझा रहे हैं शायद इनको। चुकी हूँ मैं स्कूल में,
चलिए बहुत बढ़िया ठीक है। अभी चलते हैं नर्सरी क्लास में, पोयम हो रही है बच्चों की। मस्त हो गए हैं।